दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखिए, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप बेस्ट 10 इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में, जिसके मदद से आप घर बैठे इंस्टेंट लोन ले सकते हैं और आप उसे इजी इंस्टॉलमेंट में लोन को चुकता कर सकते हैं। जानेंगे एक RBI रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन के बारे में। चलिए सब कुछ जानने के लिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखते रहिए। वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। आपको ये बता देना चाहते हैं आधार पैन के बेस पे ही आज लोन एप्लीकेशन के बारे में, लोन कैसे प्रोवाइड कराती है, इन एप्लीकेशन के बारे में आज जानने वाले हैं, वो भी लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ। तो वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहें। दोस्तों यहाँ पर पहले एप्लीकेशन के बारे में बात किया जाए तो ये है एविल्स फाइनेंस। अब ये देख सकते हैं ये मेरे नाम से प्रोफाइल है। इस एप्लीकेशन की खास बात ये है कि आपको यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट या फिर मंथली यूजर्स फी आपको यहाँ पर दोस्तों देनी पड़ती है। यहाँ पर 14 दिनों का ग्रेस पीरियड होता है, लेकिन एक चीज आपको बता देना चाहते हैं, बाय द वे अगर आप आज के डेट में यानी अगस्त के महीने में अगर 1 तारीख को अगर आप इस लिमिट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको लगभग पूरे 30 दिनों का समय मिल जाता है लोन भुगतान करने के लिए। तो ऐसे में आपको बता देना चाहता हूं कि ये है एविल्स फाइनेंस, जिसके अंदर आपको क्रेडिट ATM यानी क्रेडिट लाइन जैसे सुविधा आपको मिलती है। अब ऐसे में स्क्रीन के सामने देखने को आपको मिलेगा कि भाई 2000 रुपए की क्रेडिट लिमिट है। इसे अगर आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं अपने बैंक खाते में तो आप सीधा निकाल सकते हैं और 2000 रुपए ही आपके बैंक खाते में क्रेडिट भी हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर मंथली यूजर्स फी आपको दोस्तों देने पड़ते हैं, वो भी 7%। अलग अलग अमाउंट के ऊपर दोस्तों ये वैरी करता है। तो ये आपको मिलता है बिना इनकम प्रूफ के तौर पे क्रेडिट लाइन, जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, सीधा बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इस एप्लीकेशन के बारे में मैंने कई बार वीडियो बना चुका हूं, किस तरह से आपको लोन अप्लाई करना है, किस तरह से आपकी लिमिट्स इंप्रूवमेंट हो सकती है, किस तरह से अगर आपने लोन ले रखा है तो किस तरह से रिपेमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो दोस्तों बना रखी है। तो ये भी एक आधार पैन के बेस की एप्लीकेशन है दोस्तों, लोन प्रोवाइड कराती है, वो भी पूरे भारत में। अगर आप इस एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, लोन अप्लाई करना चाहते हैं, लाइव स्टेप प्रोसेस देखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दोस्तों ऑलरेडी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये था पहला एप्लीकेशन, क्योंकि बिना इनकम प्रूफ के तौर पे आप इस एप्लीकेशन से 100% लोन ले सकते हैं। ये भी एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप लोन लेते हैं तो इनका ऑन टाइम पेमेंट जरूर करिएगा, ऐसे में आपकी लिमिट्स भी इंप्रूवमेंट होगी। ऑन टाइम पेमेंट करेंगे तो आपकी लिमिट इंक्रीज भी होगी और सिविल भी इंप्रूवमेंट होते हुए देखने को मिलेगा। दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे एप्लीकेशन के बारे में और देख लेते हैं कि किस तरह से वो एप्लीकेशन काम करती है। दोस्तों यहाँ पर दूसरे एप्लीकेशन की बात किया जाए तो ये है रिंग पे लेटर एप्लीकेशन। यहाँ भी आपको क्रेडिट लाइंस प्रोवाइड कराई जाती है, मैक्सिमम 30,000 रुपए तक का क्रेडिट लिमिट्स देखने को मिलता है। इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई KYC डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी किसी के प्रोफाइल में आपसे पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में एप्लीकेशन किस तरह से काम करती है इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। बाकी अगर आपके किसी भी बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है और आपके उस नंबर के साथ लिंक है, तो कोशिश करिए जो आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर दिया गया उसी से आप लॉगिन करें, क्योंकि जब आप उस नंबर से आप लॉगिन करेंगे तो हो सकता है 30,000 रुपए के लिमिट के बीच आपको किसी प्रकार की लिमिट्स देखने को मिल सकता है। उस लिमिट का इस्तेमाल आप स्कैन करके अपने QR कोड या फिर मर्चेंट QR कोड के जरिए से पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसका प्रोसेस भी मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता रखा है, किस तरह से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से क्रेडिट लिमिट पा सकते हैं, किस तरह से उस क्रेडिट लिमिट को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या चार्जेस लगते हैं, इनके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी दोस्तों बना रखा है, डिस्क्रिप्शन पार्ट दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ऐसे में आपके जो भी बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर होगा उसी नंबर के साथ लॉगिन या फिर साइन अप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ लिमिट्स देखने को जरूर मिलेगा। ऑन टाइम पेमेंट करेंगे तो ऐसे में आपको बता देना चाहता हूं आपकी लिमिट्स भी इंप्रूवमेंट बड़ा जल्दी इस एप्लीकेशन में देखने को आपको मिलता है। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो इस बारे में आपको अच्छे से पता होगा। यहाँ भी अगर देखा जाए तो आधार पैन के ज्यादा से ज्यादा KYC डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकती है, नहीं तो ऐसे लेती ही नहीं है ज्यादातर प्रोफाइल के अंदर में। अगर इस ऐप की तरफ जाना चाहते हैं, क्रेडिट लिमिट्स पाना चाहते हैं, वो भी आधार पैन या फिर नंबर के साथ, तो इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दोस्तों बना रखी है स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आप क्रेडिट लिमिट पा सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस एप्लीकेशन की ततरफ जाइएगा। तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं ये भी एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से क्रेडिट लाइन दोस्तों प्रोवाइड कराई जाती है। फिलहाल अभी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि 2800 रुपए की लिमिट्स है और मैंने इसे इस्तेमाल भी कर लिया है।
तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है, रिंग पे लेटर एप्लीकेशन का नाम है, आपको प्ले स्टोर के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आप प्रोसेस देखना चाहते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है तो इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों तीसरे एप्लीकेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो ये है एम पॉकेट। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, सैलरीड प्रोफेशनल हैं, तो भी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये भी बता देना चाहते हैं, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट होने चाहिए इसके बारे में पहले देख लीजिए। उससे पहले आप ये भी देख लीजिए कि ये मेरी खुद की प्रोफाइल है, जैसा कि ऊपर में आप देख सकते हैं मेरे नाम से प्रोफाइल है और यहाँ पर ये स्टूडेंट प्रोफाइल स्क्रीन के सामने देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 10,000 रुपए की हमें क्रेडिट लिमिट मिली है, इसे हम चाहते हैं तो इसे हम निकाल भी सकते हैं। अपने हिसाब से यहाँ पर अमाउंट चूज करेंगे और आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 30 दिनों से लेकर 90 दिनों का लोन भुगतान करने का। ऐसे में आपको ये भी बता दें यहाँ पर लगभग 30,000 रुपए तक का क्रेडिट लिमिट या फिर पर्सनल लोन की लिमिट मिल सकती है। अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होंगे तो ट्राई एक बार कर सकते हैं, लेकिन इनकम प्रूफ आपको यहाँ पर दोस्तों देनी पड़ती है। स्टूडेंट के केस में आपके पास क्या क्या होनी चाहिए एलिजिबिलिटी इसके बारे में पहले देख लीजिए। कॉलेज में अगर पढ़ाई करते होंगे तो कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको यहाँ पर दोस्तों देने होते हैं, ये मस्ट है, इसे प्रोवाइड कराना ही होगा। दूसरा चीज, अगर आप यहाँ पर सैलरीड प्रोफेशनल होंगे तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो कम से कम 9,000 रुपए सैलरी आपकी मिनिमम होनी चाहिए, जिसमें कि आपकी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हुए दिखनी चाहिए। अगर वो लिमिट आपके बैंक स्टेटमेंट में छपती है तो भाई ऐसे में आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट हैं और इस ऐप के जरिए से लोन लेना चाहते हैं, आधार पैन के ऊपर लोन लेना चाहते हैं, तो ऐसे में इस एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो दोस्तों बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मिनिमम 30 दिनों का समय मिलता है लोन भुगतान करने के लिए और मैक्सिमम देखा जाए तो 4 महीनों का समय मिल जाता है। तो है ना बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन, ये भी एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, समय पर चुकता कीजिएगा अगर आपको लोन मिल जाती है तो। दोस्तों चौथे एप्लीकेशन की बात किया जाए तो ये है MobiQuick, जो कि बाय नाउ फिल्टर जैसे एप्लीकेशन ये काम करती है। एप्लीकेशन का नाम एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, ये है MobiQuick। जी पे लेटर की जैसे सुविधा आपको यहाँ पर इस ऐप के अंदर में देखने को मिलता है। ऐसे में हमें यहाँ पर मिली है टोटल लिमिट 2914 रुपए, जिसमें कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने काफी लिमिट इस्तेमाल कर लिया है और अवेलेबल बैलेंस यहाँ पर 28 रुपए सिर्फ दिखाए जा रहे हैं और इसे आप इजी EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जीप EMI का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, गेट स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर सारे प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। हालांकि इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई है, इसके ऊपर जब हम वीडियो बनाएंगे तो दोस्तों आपको मिल जाएगी अगले दिन या फिर उससे 2 दिन के बाद। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर यह बता देना चाहता हूँ कि जीप पे लेटर एक सर्विस है जो कि MobiQuick द्वारा आपको मिलता है, कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिए आप इसका लिमिट भी इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, बैंक में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट दोस्तों चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये भी बिना इनकम प्रूफ के तौर पे दोस्तों ये ऐप काम करती है, IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा आपको दोस्तों यहाँ पर लिमिट्स प्रोवाइड कराई जाती है। इतना चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में, इनके लर्निंग पार्टनर जो है IDFC फर्स्ट बैंक है। तो दोस्तों ये आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बिना इनकम प्रूफ के तौर पे इस तरह के एप्लीकेशन सारे काम करती है। जिस ऐप के बारे में फिलहाल भी हम बात करें ये है MobiQuick, आपको मिलता है जिप पे लेटर। मैक्सिमम लिमिट आपको यहाँ पर 60,000 रुपए की मिल सकता है। अब ये भी डिपेंड करेगा कस्टमर के प्रोफाइल के ऊपर, यहाँ पर कोई इनकम प्रूफ का कोई चक्कर नहीं है, आधार पैन की डिटेल ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड करानी होती है। अब ये आपके ऊपर है लिमिट्स लेना है, लोन अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अगर आप इस एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहते हैं लिमिट कैसे मिलती है इसके ऊपर भी मैंने आपको डेडिकेटेड वीडियो दोस्तों बना के दिया है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट आप कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर पांचवे एप्लीकेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो ये है LazyPay, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं और मैंने यहाँ पर टोटल लिमिट यहाँ पर निकाल चुका हूँ, वो भी QR कोड के जरिए से, या फिर यहाँ पर QR कोड की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं 3300 रुपए के यहाँ पर फिलहाल आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है हमारी। आप यहाँ पर चाहते तो कार्ड के जरिए से भी पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने काफी पहले डेडिकेटेड वीडियो दोस्तों बना रखी है। यहाँ भी आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड ही होनी चाहिए और एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से दोस्तों ये लोन या फिर लिमिट्स आपको प्रोवाइड दोस्तों यहाँ पर कराई जाती है। तो आपको यहाँ पर बाय नाउ पे लेटर जैसा सर्विस आपको इस ऐप के अंदर में देखने को मिलता है। फिलहाल मैं जिस ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ ये है LazyPay लेटर और इसमें आपको यहाँ पर किसी तरह से वैक वर्चुअल कार्ड और फिजिकल कार्ड भी मिलते हैं, जिस किसी भी तरीके से आप क्रेडिट लिमिट्स का इस्तेमाल कहीं भी आप कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने भी डेडिकेटेड वीडियो दोस्तों बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये सब चीजें आपको दोस्तों लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ ही दिखाई जा रही है ताकि आपको ये एक्चुअल में पता चले कि ये आधार पैन के बेस पे ही दोस्तों ये काम करती है। लोन लेकर भी आपको कई एप्लीकेशन के जरिए से दिखाया गया, तो इस एप्लीकेशन के जरिए से अगर आप लिमिट पाना चाहते हैं, कार्ड लेना चाहते हैं, किस तरह से काम करती है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो
भाई डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट आप कर लीजिएगा। दोस्तों ये है छठा एप्लीकेशन जिसमें कि स्मार्ट कॉइन निकल के आ रही है। ये भी आपको आधार पैन के बेस पे आपको क्रेडिट लिमिट देखा जाए तो 1,00,000 रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराती है। आप इसे इजी इंस्टॉलमेंट के रूप में लोन को चुकता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन की बात किया जाए तो ये एप्लीकेशन सिर्फ आधार पैन के बेस पे दोस्तों लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। आपको ये भी बता देना चाहते हैं, अभी देख सकते हैं यहाँ पर 6,000 की दोस्तों यहाँ पर लोन चल रही है। पहली ईएमआई मैंने यहाँ पर लोन को भर दिया है। अब ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं 6,000 का लोन है। 24 जून को 2022 में लोन लेकर आपको दिखाया गया है। ईएमआई अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं 2,121 रुपए हमें पर मंथ पेमेंट करनी होती है। पूरे 3 महीनों के लिए लोन मिला है। प्लेटफॉर्म सर्विस चार्ज और जीएसटी यहाँ पर देख सकते हैं टैक्स को लेकर यहाँ पर 850 रुपए चार्ज किए गए हैं। पर मंथ यहाँ पर देख सकते हैं 3% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज ली गई है। पहली ईएमआई हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है जैसे कि स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 22 जुलाई 2022 को। दूसरी ईएमआई निकल के आ रही है 24 अगस्त को। तीसरी ईएमआई निकल के आ रही है 24 अगस्त को। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों ये भी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फॉर्म के जरिए से लोन सेक्शन यहाँ पर दोस्तों करवाई गई है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं विवृति कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। सेक्शन लेटर भी आपको मेल आईडी के ऊपर दोस्तों भेज दिया जाता है। तो दोस्तों अगर बिना इनकम प्रूफ के तौर पे अगर आप घर बैठे लोन लेना ही चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। आप इसे इजी इंस्टॉलमेंट के रूप में लोन को चुकता कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये पूरे मेजर सिटीज में ही ये ऐप काम करती है, ये पूरे भारत में ऐप ये काम नहीं करती है। अगर आप इस एप्लीकेशन के जरिए से लोन लेना चाहते हैं, लाइफ स्टाइल प्रोसेस देखना चाहते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दोस्तों बना रखी है। डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों ये है ब्रांच पर्सनल लोन एप्लीकेशन। ये भी बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। कम से कम ब्याज के ऊपर आप घर बैठे लोन ले सकते हैं, वो भी आधार पैन के बेस पे। यहाँ भी कोई इनकम प्रूफ का कोई चक्कर नहीं है। बिना इनकम प्रूफ के अगर आप घर बैठे लोन लेना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन की तरफ दोस्तों बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पर कम से कम हमने यहाँ पर 12,000 रुपए का लमसम लोन लेकर आपको आखिरी टाइम दिखाया था। टोटल अभी फिलहाल ड्यूज देखने को मिल रहे होंगे 12,250 रुपए। ऐसे में यहाँ पर टोटल ड्यूज की यहाँ पर दोस्तों बात किया जाए तो यहाँ पर मंथ हमें ईएमआई पेमेंट्स भी करने होते हैं। 6 महीनों के लिए यहाँ पर लोन लेकर दिखाया गया है। अगर आप हमारे दोस्तों रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि इस एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से लोन अप्लाई किया गया था। यहाँ भी किसी तरह का कोई इनकम प्रूफ का चक्कर नहीं है। 50,000 रुपए तक का लोन आपको यहाँ पर दोस्तों मिलता है। आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं 25 जुलाई से लेकर 22 दिसंबर तक ये लोन चलेगा जो कि यहाँ पर 6 महीनों के लिए लोन लेकर आपको दिखाया गया। दोस्तों ये लगभग पूरे भारत में एप्लीकेशन ये काम करती है। अगर आप घर बैठे लोन लेना चाहते हैं, मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ी है, तो ऐसे कंडीशन में आप इस एप्लीकेशन की तरफ दोस्तों बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, लाइव स्टेप प्रोसेस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पार्ट दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये सब एप्लीकेशन का आपको प्रूफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई देख लो कि एप्लीकेशन ये वाकई में काम करती है, एक काम की एप्लीकेशन है। अगर कभी भी पर्सनल लोन की जरूरत पड़ गई, कभी तत्काल लोन की जरूरत पड़ गई तो आप इन एप्लीकेशन की तरफ दोस्तों जा ही सकते हैं और अपने काम को इस पैसे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खैर ये बात की बात है, चलिए जान लेते हैं एक और एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों ये है ताला लोन एप्लीकेशन और इस एप्लीकेशन के अंदर में आपको मिलता है मैक्सिमम लिमिट 10,000 रुपए, यानी आप यहाँ पर 10,000 रुपए तक का लोन मैक्सिमम ले सकते हैं। यहाँ पर अभी आपको आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर ही दोस्तों लोन प्रोवाइड कराती है। किसी तरह का कोई इनकम प्रूफ का कोई चक्कर नहीं है। अब यहाँ भी देख सकते हैं 7,370 रुपए का यहाँ पर ड्यूज है। जैसा कि स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ भी आपको इजी इंस्टॉलमेंट के रूप में ही लोन को चुकता करना होगा। यानी आज से यहाँ पर पहली ईएमआई हमें दोस्तों पेमेंट करनी होगी 4 दिन के बाद 3,658 रुपए और दूसरी यहाँ पर देख सकते हैं 18 सितंबर यानी आज से 35 दिनों के बाद हमें पेमेंट करनी होगी 3,659 रुपए। तो आपको यहाँ भी सुविधा मिल जाती है, ईएमआई की तरह ही आप लोन को चुकता कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। अगर आप यहाँ से भी लोन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस एप्लीकेशन की तरफ दोस्तों बिल्कुल जा सकते हैं। ये भी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं दूसरे एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों ये है एस2 क्रेडिट। रियल टाइम आपको क्रेडिट लाइंस प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी कॉलेज स्टूडेंट लोगों के लिए। अगर आप यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे में भी आप यहाँ पर क्रेडिट लिमिट पा सकते हैं और बड़ा आसानी से अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे में यहाँ पर देख सकते हैं 1,000 रुपए के बीच में यहाँ पर 60 पैसे सिर्फ चार्ज दोस्तों किए जा रहे हैं, यानी कि आपके 940 रुपए आपके बैंक खाते में इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाएंगे। हालांकि इस एप्लीकेशन को लेकर कितने बार मैंने वीडियो बनाया है और समय पे मैंने चुकता लोन को करते गया, हमारी लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं 5,000 रुपए के टोटल है। ठीक है, ये मेरी खुद की प्रोफाइल है जैसे कि स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए क्रेडिट लिमिट तो 10,000 रुपए ही दिए जाते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट तो आपके पास कॉलेज आईडी कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड होने चाहिए। यहाँ भी आपको इनकम प्रूफ का कोई चक्कर नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। अब तक मैंने जितने सारे एप्लीकेशन के बारे में बताया बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। बिना इनकम प्रूफ के घर बैठे लोन ले सकते हैं और अपनी जरूरतों को दोस्तों यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। और अब तक मैंने जितने सारे एप्लीकेशन के बारे में बताया एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाले एप्लीकेशन के बारे में बताया है। अब लोन लेना नहीं लेना वो दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है सोच समझ के लोन के लिए अप्लाई करना। लोन लेना नहीं लेना वो
दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों मैंने अब तक जितने सारे एप्लीकेशन के बारे में बताया, पर्टिकुलर हर एक एप्लीकेशन के बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाई गई है। कैसे लोन के लिए अप्लाई करना है डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।